आज स्टार्टर खाने में घर में सबको मन है, मम्मी को है, पापा को है, वाइफ को है, बच्चे को है, भाई को भी है। तो मैंने बोला चल बनाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने तैयार किया, आज का जो मेरा रेसिपी है वो है सॉल्ट एंड पेपर चिकन। तो नमस्कार, मैं हूँ रमाकांत प्रधान। चलिए आज बनाते हैं कैसे घर पे सॉल्ट एंड पेपर चिकन बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही इजी तरीका का रेसिपी मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है और तो कैसे इजी तरीके से हम बनाएंगे उसका मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले जान लेते हैं उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो सॉल्ट एंड पेपर के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा तो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। सॉल्ट एंड पेपर चिकन, उसका इंग्रेडिएंट्स ये है। मेरे पास चिकन छोटे छोटे कटा हुआ, मैंने छोटे छोटे काट के रखा है उसके चिकन को, एकदम छोटे छोटे साइज का है। चिकन को मैरिनेशन करने के लिए मेरे पास अंडा है, यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, नमक है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है और थोड़ा सा लाइट सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, ये डाल के मैं भी चिकन को मैरिनेशन करूँगा। चिकन हो गया, कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर, मैदा, विनेगर, हल्का सा सोया सॉस, ताकि अगर सोया सॉस नहीं डालेंगे तो वो सफ़ेद जैसा दिखेगा। थोड़ा सा कलर के लिए हम डाल रहे हैं लाइट सोया सॉस। ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड जिंजर और थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, और ये अंडे का व्हाइट हम डालेंगे। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी का ज़रूरत है, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी डाल के हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक तो इम्पोर्टेंट है, नमक तो हमने डाला ही नहीं, तो हमने थोड़ा सा नमक इस पर डाल के अच्छी तरीके से और मिक्स करके इसको हम 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। मैरिनेशन हो के 10 से 15 मिनट हो गया। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इस चिकन को फ्राई करने में डाल देंगे। छोटे छोटे चिकन हैं, खाने में मज़ा आएगा, तो इसी के लिए उसको छोटे छोटे किया गया है। आप उसको फिंगर साइज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कैसे बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो एक राउंड में हम इतने ही निकालेंगे, उसके बाद फिर दोबारा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई होने दो, तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं। कैसे हम सॉल्ट एंड पेपर चिकन का मसाला बनाएंगे उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को इजी तरीके से दिखा रहा हूँ। तेल डाल लेंगे हम। अब इसका मसाला बनाने के लिए हमारे पास है ऑनियन चॉप, बेल पेपर चॉप, रेड एंड ग्रीन, ग्रीन चिली चॉप है, कोरिएंडर चॉप है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर। इसी से हम बनाएंगे इसका मसाला, कैसे सॉल्ट एंड पेपर का मसाला हम बनाते हैं। और यहाँ पे है गार्लिक चॉप और अदरक चॉप। गार्लिक चॉप डाल दिया, अदरक चॉप डाल दिया, उसको अच्छी तरीके से हम सौते कर लेंगे। अब हम इस पर डाल देंगे ग्रीन चिली चॉप,
सौंप दी चिली, थोड़ा सा सौते करने के बाद वहाँ पर डाल देंगे ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन, चॉप बेल पेपर, ग्रीन वाला और ये है रेड वाला बेल पेपर। अब इसको हम स्लो फ्लेम में सौते कर लेंगे। अभी फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा भी है, उसको भी हम मेरे को डालना है। तो इतना ही कलर रखना है और इसे ही क्रिस्पी फ्राई करना है उसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं करोगे कि बाद में वो सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। मैंने इस ब्लैक पेपर को मैंने पाउडर करके रखा है, वही वाला डाला मैंने, और ये व्हाइट पेपर पाउडर और थोड़ा सा फ्रेशली कोरिएंडर लीव्स। आप इसको अच्छे तरीके से सोते करना है। तो हमारा ये वाला चिकन भी तैयार हो रहा है। अब हम ये गैस को कर देंगे बंद ताकि ये चिकन जो फ्राई हो जाएगा और हम इसको डाल के मिला देंगे उसको। हमारा फ्राइड चिकन रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पर डाल देंगे, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर देंगे। तो ये तैयार हो चुका है सॉल्ट एंड पेपर चिकन। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत ही कम टाइम में आप घर पे बना सकते हैं। तो इसमें बनाने के लिए ज़्यादा ही मेहनत है ही नहीं। चिकन छोटे छोटे कटा हुआ लेना, अंडा, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, कॉर्नफ्लावर, मैदा, पानी, सॉल्ट, पेपर, व्हाइट पेपर पाउडर डाल के हल्का सा सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर डाल के उसको मिक्स करके फ्राई करना है। और ये दूसरा साइड में एक पैन में ऑयल, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और बेल पेपर्स को सोते करके सॉल्ट पेपर डालना है आपको। इतना सा ही है, बहुत ही ईजी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर बन चुका है। अब देखिए खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है ये, एकदम बहुत ही बढ़िया स्टार्टर आपका रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अब चलिए करते हैं इसका प्लेटिंग। कैसे प्लेटिंग करते हैं हम इसका सॉल्ट पेपर चिकन का। तो ये रेडी हो चुका है सॉल्ट एंड पेपर चिकन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरीके से बनाइए, बहुत कम टाइम में आप पूरे फैमिली को एक बढ़िया सा स्नैक्स खिला सकते हैं। अब इस पे क्या करना है, थोड़ा सा जो हमने बेल पेपर को सोते किया था ये उसके ऊपर थोड़ा सा डालना है, कोरिएंडर स्प्लिट को यहां लगाना है और थोड़ा सा धनिया को डालना है। तो ये तैयार हो चुका है दोस्तों सॉल्ट एंड पेपर चिकन। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे इसी तरीके से बनाइए।
तो दोस्तों देख लिया आपने सॉल्ट एंड पेपर चिकन। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इजी वाला रेसिपी आप घर पे बनाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पूरा फैमिली को आनंद दिलाइए। और मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना कैसा लगा आपको मेरा ये रेसिपी। तब तक मैं आपको इंतजार करते रहूँगा कि आप कमेंट्स के लिए कि आप क्या कमेंट्स दे रहे हो। और मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों।